गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू कोज एक्स, कोज 2x, कोज 3x। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है थ्री फंक्शंस की। तो अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा था u इंटू v का। अब थ्री फंक्शंस हैं, सो यू कैन सेट u, v एंड w। अब वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि एक को एज इट इज़ रखा, दो एज इट इज़ रखेंगे, एक का डेरिवेटिव कर दिया, फिर सेकंड को एज इट इज़ रखा, फर्स्ट एंड थर्ड को डेरिवेटिव कर दिया, बट वो फॉर्मूला लंबा हो जाएगा। तो हम कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए विल टेक लॉगरिदम बोथ साइड, हम लोग ले लेते हैं बोथ साइड। तो उसके बाद क्या करते हैं, लॉग ऑफ वाई, दो तरफ लॉग ले लिया हमने। उसके बाद आपने पढ़ा है फॉर्मूला लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। यहाँ पे एम एन पी तीन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी लॉग के साथ होता है वो कहाँ आता है, पहले नीचे, फिर डी बाई डी एक्स होता है उसका वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है हमारा वाई, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। लॉग कोस एक्स, लॉग अब उसका एंगल क्या है कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा वन बाय कोस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। इन द सेम वे वन बाय कोस टू एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस टू एक्स। इन द सेम वे वन बाय कोस थ्री एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस थ्री एक्स। वन बाय वाई, डी वाई बाई डी एक्स, वन बाई कोज एक्स, कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका होता है एंगल का, पहले फंक्शन का। अब देखिए इसमें क्या है, पहले सीक्वेंस में पहले लॉग का होगा, फिर कोज का, फिर एक्स का। सेम इसमें भी पहले लॉग का, फिर कोज का, फिर टू एक्स का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है हमारा सिर्फ एक्स, तो एक्स लिख दिया हमने। इन द सेम वे डेरिवेटिव ऑफ कोस टू एक्स इज माइनस साइन टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। इन द सेम वे वन बाई कोस थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स। यस, वन बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स। अब डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स सेम है तो क्या हो जाएंगे वो कैंसिल, माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन टू एक्स बाय कोस टू एक्स। टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अब एक कांस्टेंट और एक मल्टीपल है और मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा वन, तो टू इंटू वन। इन द सेम वे प्लस माइनस माइनस, साइन थ्री एक्स बाय कोस थ्री एक्स, थ्री एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन। तो प्लस माइनस माइनस तीनों में है, माइनस कॉमन ले लिया। साइन एक्स बाय कोज एक्स इज टेन एक्स, टू कॉन्स्टेंट है तो आगे आ गया। साइन टू एक्स बाय कोज टू एक्स इज टेन टू एक्स, प्लस क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हम सारे में से, थ्री टेन थ्री एक्स। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की। ये वाई यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी ब्रैकेट के बाहर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब लास्ट में हम पुट कर देंगे वाई की वैल्यू, क्या वैल्यू है हमारी, कोज एक्स, कोज टू एक्स, कोज थ्री एक्स, और अंदर ही सारा एज इट इज़, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।